क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज बेल मिल सकती है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्र और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को रविवार को एनसीबी ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद शाम के 7 बजे उसे कोर्ट में भी पेश किया गया। कुल 8 लोगों को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिनमें बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी थे। आज आर्यन खान को बेल मिल सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। उनके वकील सतीश मानसिंदे मुंबई के सेशन कोर्ट में जमानत याचिका आज दायर करेंगे। उनकी एक दिन की एनसीबी कस्टडी भी आज खत्म हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनसीबी उनकी जमानत का विरोध नहीं करने वाली है। इधर आर्यन के साथ गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को एक दिन की एनसीबी कस्टडी भी आज समाप्त हो रही है। अदालत में पेशी से पहले एनसीबी की टीम तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने कहा है कि वह कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन की हिरासत की मांग नहीं करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को जब आर्यन खान को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा तो उनके वकील जमानत की याचिका लगाएंगे। माना जा रहा है कि एनसीबी आर्यन को केस की शुरुआती जांच तक न्यायिक हिरासत में रखने की मांग कर सकती है। हालांकि अदालत इसे मानेगी या नहीं, इस पर संदेह है। जानकारी हो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में एक क्रूज पर शनिवार को छापेमारी की थी, जिसके बाद 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि क्रूज पर ड्रग्स पार्टी चल रही थी। इनमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आर्यन एक दिन के लिए एनसीबी की कस्टडी में है। जांच एजेंसी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। तो जहां एक तरफ आर्यन खान के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है, जब एनसीबी ने उन्हें हिरासत में लिया था तो उन्होंने कहा था कि वो उस क्रूज पर ड्रग्स नहीं ले रहे थे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक जो बातें सामने आई हैं उसमें ये पता चला है कि वो पिछले 4 सालों से ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। इसके अलावा ना ही सिर्फ इंडिया में, उन्होंने यूरोप कंट्रीज़ में भी जाकर अलग अलग देशों में ड्रग्स का सेवन किया है। और ऐसे में अब एनसीबी की गिरफ्त में बॉलीवुड किंग खान के बेटे आर्यन खान हैं, और आज सोमवार को उनकी जमानत याचिका भी उनके वकील लगाने वाले हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या न्यायपालिका आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ाती है या खत्म करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।